हाँ जी टीम, अपने ग्रुप के अंदर अभी लिंक आ रहा है यूट्यूब का, तो आप सभी जो हैं फॉरवर्ड कर दीजिए उन्हें अपनी टीम को, क्योंकि वो भी सेशन लगा लेंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं दोबारा से। अच्छा, मेरी वॉइस अभी क्लियर है सबको? हमारे बीच में एक रेडमी है, अब उनका नाम तो नहीं पता मुझे क्या है, लेकिन रेडमी है वो, जिनको आवाज नहीं आ रही है। तो भाई साहब या बहन जी, सर और मैम, आप जो भी हैं, है ना, मुझे पता नहीं है, तो आप प्लीज मैम या सर, आप ना अपने थोड़ा सा एडजस्ट करिए यार अपने आप को। यहाँ पर मैसेज करने से कुछ नहीं होगा, मैं यहीं बैठ कर ट्रेनिंग दूंगी, आप अपने आप को एडजस्ट करिए। चलिए, हाँ, रेडमी नोट कनेक्टेड विद ऑडियो, ओके। चलिए, इम्पोर्टेंस की बात कर रहे थे ना, तो अब हम क्या करते हैं, हमें पता ही है ना, अभी मैंने आपको जो चीजें बताई कि ट्रेनिंग्स को छोड़कर, लीडर्स की कॉल अवॉइड कर, हमें ऐसा लगता है कि यार, और हम क्या सोचते हैं, मुझे तो 2 महीने हो गए, मुझे तो 3 महीने हो गए, और जो बिगनर होते हैं हमारे बीच में, जिन्होंने भी 1-2 दिन ही होता है, वो बेचारे अपनी आदत से थोड़ा मजबूर होते हैं, उनकी अभी थोड़ी सी मैनेजमेंट नहीं बैठ पाती है, उनको वो हैबिचुअल नहीं होते, आदत नहीं पड़ी होती अभी, तो उनका भी यही होता है, 1 हफ्ते बाद बोलते सर मेरे से तो हो नहीं रहा। आपसे कैसे होगा जब आप सीखने के लिए तैयार नहीं है? जब हम पहले दिन स्कूल में गए थे, हमें पेन पकड़ाया था टीचर ने, हमें पेंसिल पकड़ाई थी टीचर ने, द फर्स्ट डे होगा, हमने वन बनाना सीखा होगा, कभी घर में, कभी स्कूल के अंदर, कहीं पर भी, तो हमने ऐसे गिव अप कर दिया था 1 हफ्ते बाद, मेरे से तो नहीं होगा। हम क्या करते थे, इंटरेस्ट लेते थे। जब टीचर और मदर सोचती थी ना कि पेंसिल से थोड़ा बोरिंग लग रहा है, पेंसिल से नहीं सीख पा रहा है बच्चा, तो क्या करती थी, हमारे सामने कलर्स भी खेल देते थे, कभी रेड कलर होता था उससे वन बनवाते थे, कभी पर्पल होता था उससे वन बनवाते थे, कभी ग्रीन होता था, कभी ब्लू होता था, मतलब क्या क्रिएटिविटी करते थे हमारे साथ। 1 हफ्ते बाद नर्सरी का बच्चा बोल दे, मुझे तो लिखना नहीं आ रहा मम्मा, मैं नहीं जाऊंगा, बस मेरा हो गया पढ़ाई से, मेरा कनेक्शन छुड़वा दो इससे। अब सोचकर देखो वो बच्चा कैसे ग्रो होगा लाइफ के अंदर, उसके साथ, अब वो अपने आप को इतना, वो अपने दिमाग से इतना मिच्योर नहीं है कि वो अपने डिसीजन ले पाए, बट हम हैं एटलीस्ट, है ना, हमें पता है हमें क्या चीजों को अवॉइड करना है। बच्चा तो कार्टून भी मांगता है, बच्चा राइम्स भी मांगता है, बच्चा हर चीज मांगता है ना, वो सेक्रीफाइस नहीं कर सकता, क्योंकि बच्चे को नहीं पता सेक्रीफाइस क्या होता है, उसे सब कुछ चाहिए लाइफ में, उसे सब कुछ चाहिए। अभी मैं आप लोगों को बताऊं, सॉरी मेरे को थोड़ा सा गला खराब है, तो बार बार ये डिस्टरबेंस हो रही है। अभी मैं आपको बताऊं, कबीर की एक हैबिट शेयर करती हूँ आप लोगों से, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, बच्चे वाकई में, बच्चे सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। अब कबीर को कुछ भी, जब वो कुछ खाने का ऑफर करते हैं, उसके सामने कुछ टॉयज रखते हैं, आपने मोस्टली बच्चे देखे होंगे, मैंने भी देखे हैं, बट मैं अभी कबीर का एग्जाम्पल दे रही हूँ, वो क्या करता है, अपने दोनों हाथों में पकड़ने की कोशिश करता है, और कई बार क्या करता है, एक ही हाथ से ये छोटा सा बनाकर उससे भी पकड़ने की कोशिश करता है कि लाइक मैं इससे भी उठा लूं कुछ। उसे सेक्रीफाइस नहीं करना है, वो पुरानी वाली चीज छोड़कर उसे नया नहीं कैप्चर करना, उसे सब चाहिए और नया भी चाहिए, उसे चाहिए वो सब, उसे नहीं पता पुरानी चीज को सेक्रीफाइस करके कुछ नया ऐड कर सकता है वो अपने हाथ के अंदर, अपने आसपास, अपने इन्वायरमेंट के अंदर, है ना, उसे नहीं पता। अब जब उसे नहीं पता, तो उसे सिखाने का रोल कौन प्ले कर रहा है, हम लोग एज अ फैमिली, एज अ मदर, एज अ पेरेंट्स। लेकिन आप लोग सेक्रीफाइस कर सकते हो, क्योंकि आप इतना ज्यादा, आपके अंदर ऊपर वाले ने दिमाग दिया है, इतने मिच्योर हम लोग हो चुके हैं कि हमें पता है हमारी लाइफ में फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, इंपॉर्टेंस किसे देनी है और किसे नहीं देनी है। अब मुझे कोई आकर पूछे या कोई बोले आकर कि आप रोज के 4 पिज्जा और बर्गर खा लिया करो और साथ में एक कोक की बोतल ले लिया करो, अब मुझे पता है यार मेरी हेल्थ की वैल्यू क्या है, मेरे लिए मुझे पता है मेरी इंपॉर्टेंस क्या है, अब मैं एक दिन उसे एंजॉय करूंगी, 2 दिन करूंगी, 3 दिन करूंगी, बट रेगुलर बेसिस पर नो एंड नेवर, शायद 3 दिन भी बहुत ज्यादा है एक नॉर्मल इंसान के लिए। तो आप लोग सोचकर देखिए ये चीज कि जब हमें अपने सॉरी हमें अपनी हेल्थ की वैल्यू पता है ना, हमें हमारे सोने की वैल्यू पता है, जागने की वैल्यू पता है, खाने की वैल्यू पता है, बट हमें हमारे करियर की वैल्यू नहीं पता, हमें हमारे पेरेंट्स की वैल्यू नहीं पता। अगर पता होती ना, तो हम लाइफ में जो हमें प्लेटफॉर्म मिला है ना, हम यहाँ पर ओवर थिंकर होने की बजाय, या दूसरों से ओपिनियन जानने की बजाय, यार नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री कैसी है,
नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, जैसे ही टू सीसी का प्लान मिल जाता है, यस प्लान मिल जाता है, या कहीं से एडवांस नॉलेज लेकर आ जाते हैं, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इतने ज्यादा ओवर थिंकर बन जाते हैं। लाइक हम सोचते हैं यार हमसे तो स्मार्ट ही कोई नहीं है, अंडरस्टैंड करो इस चीज को। अब देखिए मैं अपना ही एग्जांपल देती हूँ, लाइक मेरा गला बहुत ज्यादा खराब है, आप लोग देख ही सकते हो, आपके सामने मेरी कंडीशन है, लेकिन क्या है इंपॉर्टेंस मैंने किस चीज को दी, आपके करियर को, इस सेशन को ट्रेनिंग दी, वरना मैं अवॉइड कर सकती थी, आज का सेशन नहीं करती मैं, बट मैंने क्या इंपॉर्टेंस किस चीज को दी कि बहुत सारे लोग वेट कर रहे होंगे, बहुत सारे लोगों की लाइफ को चेंज करना है, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा सेक्रीफाइस है ना, तो ये क्या है, ये मैं सेक्रीफाइस कर रही हूँ है ना, जो मुझे बार बार इरिटेशन हो रही है, बार बार प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, वो मैं फेस कर रही हूँ। सेम ऐसे ही मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप लोग लाइफ में बहुत बड़े सेक्रीफाइसेस करो, बट एटलीस्ट इंपॉर्टेंट चीजों को फॉलो करो, उनकी वैल्यू करो। अब देखिए मैं आप लोगों को एक स्टोरी से समझाती हूँ, स्टोरी क्या है, एक बार क्या होता है ना, एक एक छोटा सा बच्चा होता है, बड़े बच्चे की कहानी सुनाते हैं, नियर अबाउट 35 साल का इंसान मानते, 30 से 35 साल का इंसान अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास जाता है, स्टोरी है यार, जिंदा होंगे है ना, ग्रैंड पेरेंट्स के पास जाता है, उन्हें बोलता है कि दादाजी लाइफ की क्या वैल्यू है, मेरी उम्र 35 साल हो गई, मैंने दुनिया देखी, मैंने काम किया, मैं फैमिली वाला हूँ आज के टाइम पर, मैंने फ्रेंड्स बनाए, सब कुछ बनाया, लेकिन ना मुझे लाइफ की वैल्यू नहीं पता लग रही। उसके दादाजी बड़े हैरान हो जाते हैं, लाइफ की वैल्यू किसे नहीं पता होती, सांसें चल रही, दैट्स अ वैल्यूएबल थिंग, सांसें चल रही बहुत बड़ी बात है ये, कहते नहीं बट फिर भी लाइफ में वैल्यूएबल चीज क्या है कि मैं लाइफ में ना कुछ अलग नहीं कर पा रहा हूँ, नॉर्मल जिंदगी है 9 to 5 वाली, कुछ कुछ टैंगी सा ऐड नहीं हो पा रहा है, कुछ अच्छा ऐड नहीं हो पा रहा लाइफ में, सपने पूरे नहीं हो पा रहे लाइफ। दादाजी क्या करते हैं, गांव में तो रहते ही थे, दादाजी ले जाते हैं नदी के किनारे, उसे बोलते हैं कि जा इसके अंदर ना 2 मिनट के लिए नाक बंद करके डूब जा इस नदी में, सांस रोक कर रखियो, अगर कर लेगा तो वेल एंड गुड है, नहीं हो पाएगा कोई बात नहीं, बाहर आ जाइए। वो जो 35 ईयर्स ओल्ड पर्सन होता है, मैन होता है, आदमी होता है, वो जाता है 2 मिनट तक, तो वो कर लेता है, बाहर निकल आता है, ये तो आसान था, ये तो हो गया, 2 मिनट और बढ़ा देते हैं दादाजी, कह रहे जा 4 मिनट कर करा, 4 मिनट भी कर लेता है, 6 मिनट कर करा, 6 मिनट भी कर लेता है, अब उसे ना डायरेक्ट ही बोलते हैं 15 मिनट करके आ, 6 से 7वां मिनट होता है और वो कहता है मेरा दम घुटने लगा था, मुझे सांस नहीं आ रही थी, मैं तड़प उठा था, मुझे बाहर आना पड़ा। कहते यही तड़प जब तेरे अपने सपनों के लिए होगी ना, तब लाइफ में कुछ अलग ऐड हो पाएगा, तब लाइफ में क्या होगा, कुछ अलग ऐड हो पाएगा। तो हम भी पता क्या करते हैं, 2 दिन करते हैं, 3 दिन करते हैं, 4 दिन करते हैं, 5 दिन करते हैं, कंसिस्टेंसी नहीं बनाते हैं कंसिस्टेंसी नहीं बनाते हैं, जो बनानी चाहिए ना एकाग्रता, लगातार किसी चीज को करते रहो करते रहो, परफेक्शन नहीं आती हमारे अंदर, हैबिचुअल नहीं होते हम किसी चीज के। आप ट्रेनिंग क्या, कभी लगा रहे हैं कभी छोड़ रहे हैं, कभी लगा रहे हैं कभी छोड़ रहे हैं, कभी लगा रहे हैं कभी छोड़ रहे हैं, आदत ही नहीं बन रही, इंपॉर्टेंस ही नहीं पता, क्योंकि ऐसे ही कभी गोल किसी महीने बना लिया, दीवार पे लगा दिया तो ठीक है, नहीं लगाया तो पुराना ही लगा हुआ यार, छोड़ो ये तो हुआ नहीं, नया क्या होगा, मतलब कुछ कर ही नहीं रहे, 2 दिन करा 3 दिन करा, लेकिन वो तड़प आपको कब आएगी, जब आपको लगेगा कि यार एक्चुअल में मुझे करना है, मैं आपके अलावा आपके लिए कोई नहीं करेगा। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आप फॉर एवर लिविंग के अंदर या किसी बिजनेस के अंदर, स्पेशली जो बिगनर्स है, आप किसी पर एहसान करने के लिए इस इंडस्ट्री में आए हो, या आप अपने पेरेंट्स के लिए आए हो, आप अपने ब्रदर के लिए आए हो, अपनी जनरेशन के लिए आए हो, आप पहले अपने लिए आए हो, आप पहले किसके सपने थे, हम क्यों आए इस बिजनेस के अंदर। जब मैंने बिजनेस प्लेटफॉर्म देखा तो एकदम से थोड़ी आया था यार ये भी करूंगी मम्मी के लिए, यार वो भी करूंगी, पहले कौन थे मैं, ये सेल्फिशनेस है बट दैट्स रियलिटी। आपने पहले अपने सपने देखे होंगे, यार गाड़ी ले लूंगा, यार मैनेजर बन जाऊंगा, यार फोन ले लूंगा, ये ह्यूमन नेचर है यार। तो आपके सपने आपके अलावा आपके लिए कोई नहीं पूरे करेगा, आपको ही करने हैं। तो ये दिमाग में से निकाल दो कि पेरेंट्स रोकेंगे तो उनका नुकसान हो रहा है, उनका नहीं नुकसान हो रहा, आप रुक रहे हो तो आपका नुकसान होगा, वो तो रोक रहे हैं, उनका काम है, क्योंकि वो इधर उधर से सुनकर आ रहे हैं, उन्हें प्रॉपर नॉलेज नहीं है, वो सेशंस नहीं लगा रहे यार, बट आप तो लगा रहे हो ना, आपको तो पता है क्या सिखाया जा रहा है क्या नहीं सिखाया जा रहा है,
अब देखिए मैं आपको बताती हूँ, लाइक आज 2 नवंबर है, 3-4 है ना, और 5-6 नवंबर को, 6 नवंबर को ना दिल्ली सक्सेस डे है, इंदिरा गांधी ऑडिटोरियम है ना, इंडिया का सबसे बड़ा इंडोर ऑडिटोरियम है, और अगर एशिया में बात की जाए तो वहां पर भी बड़े ऑडिटोरियम्स में उसकी गिनती होती है। आप सोचकर देखिए कि उसका हॉल हमारे लिए बुक किया गया है, कितने लोग आ रहे होंगे, कितने ज्यादा लोग सक्सेसफुल हो चुके हैं वहां पर आ रहे हैं जो, और कितने ज्यादा होंगे जब उसको देख लेंगे। क्या आप लोगों ने अपनी सीट बुक करवाई? क्या आप लोगों ने अपने पासेस बुक करवाए? पासेस की डेट भी चली गई, क्योंकि उस टाइम तो यार 500 का 300 का पास था, इट्स वेरी कॉस्टली सर, मैं नहीं अफोर्ड कर सकता सर, मेरी फैमिली नहीं अलाउ करेगी। अभी फैमिली से पूछेंगे नहीं, रात का शो होगा ना, अभी फैमिली से पूछेंगे नहीं है ना, अभी नहीं पूछेंगे फैमिली से कि भाई जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, अभी बाहर ही की बाहर बोलते हैं। लड़कों का तो ऐसा हाल है, क्या लड़कियों का तो मैंने कम देखा, लेकिन बॉयज का बी फ्रैंक बता रही हूँ मैं, बाहर ही होंगे ना दोस्तों के साथ, मम्मी मैं लेट आऊंगा घर पे, एकदम चोर से, मम्मी मैं लेट आऊंगा घर पे। क्यों भाई, क्या है बाहर, क्या है? कुछ नहीं, बस 2-व्हीलर है हाथ में और टंकी फुल है, बस गेड़ियां मारनी है, आ जाऊंगा 2-3 बजे, आप खाना खुना खाकर सो जाओ। अभी इन्हें बोल दो सक्सेस डे है 4 घंटे का, सर मम्मी नहीं मान रही, सर पैसे नहीं मिलेंगे घर से, सर मैं नेक्स्ट वाले में चला जाऊंगा ना। आप नेक्स्ट वाले में जाने की प्लानिंग करोगे, आपके साथ वाले नेक्स्ट वाले में जाएंगे लेकिन अचीवमेंट लेकर, क्योंकि उसकी ये पावर है ना, ये भी एक इम्पोर्टेंस का हिस्सा है, प्रायोरिटी किसे दी आपने, तो ये चीज सोचकर देखो आप लोग कि लाइफ में ना मल्टीपल थिंग्स होती है हमारे पास, और कई बार हमें नहीं पता होता कि किस चीज को कैप्चर करना चाहिए और किस चीज को छोड़ देना चाहिए, हमें नहीं पता होता, लेकिन वक्त के कहते ना कीमत वक्त के साथ पता लगती है, आज अपॉर्चुनिटी है कल नहीं होगी तो पता लगेगा यार काश उस वक्त कर लिया होता, आज पेरेंट्स हैं आज वैल्यू नहीं है, जब चले जाएंगे तब होगा यार काश उस वक्त वैल्यू कर लिया होता, आज एज है ड्रीम पूरे करने की, नहीं करोगे जब 30-35 की उम्र में आओगे, काश यार उस वक्त कर लिया होता। तो यानी कि इंसान की फितरत है, जो चीज जिस टाइम उसके हाथ में होगी ना वो वैल्यूएबल है, लेकिन क्या है उस चीज की वो कीमत समझ नहीं पाता, तो इसीलिए बोलते कि ना वक्त हमें कीमत हमेशा वक्त के साथ पता लगती है। तो आप मैं आपको एक और स्टोरी सुनाती हूँ, हमारे अंदर जल्दबाजी इतनी होती है, इतनी जल्दबाजी होती है हर चीज को लेकर कि यार मैं ना रातों रात सक्सेसफुल हो जाऊं रातों रात। अरे यार रातों रात सक्सेसफुल होने वाला बिजनेस होता ना तो मैं सीरियसली बता रही हूँ, मुझे 1 साल लगा था मैनेजर बनने में, वो 1 साल ना लगता मुझे, बट सोचकर देखिए कि वो जो 1 साल मैंने यहाँ पर स्पेंड करा, क्या मैंने जल्दबाजी में किया होगा, क्या मैंने सीखा नहीं होगा, क्या मैंने नेगेटिविटी नहीं फेस की होगी, मैंने रिजेक्शन नहीं फेस की होगी, मैंने हर चीज फेस करी है यहाँ पर। एक बार क्या होता है ना, एक छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा एक बहुत बड़े ऋषि मुनि के पास जाता है, लाइक जिनको वेदों का ज्ञान होता है उनके पास जाता है, और बच्चा उसे क्या बोलता है कि ना मुझे ना चीजों की कीमत समझ में नहीं आ रही है, चीजों की इंपॉर्टेंस क्या होती है मुझे वो समझ में नहीं आ रही है, मैं कैसे कौन सी चीज अपने हाथ में कैप्चर करके रखूं, मुझे पता ही नहीं लग रहा क्या रखना है और क्या जाने देना है। तो ना वो ऋषि मुनि क्या बोलते हैं उसे ना, सेम समंदर के पास ले जाते हैं, बहुत सारे पत्थर पड़े होते हैं वहां पर, उन्हें बोलते हैं कि देख तूने क्या करना है, इन बहुत सारे पत्थरों में ना एक पत्थर ऐसा है जिसका टेम्परेचर ना गर्म है, तुझे वो पत्थर संभाल के रखना है। बच्चा बोलते है यार ये तो बड़ा आसान काम है, मैं कर लूंगा कोई बात नहीं। तो वो गुरुजी क्या बोलते हैं कि आपके पास है ना 15 दिन का टाइम है। बच्चा बोलते है यार 15 दिन कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा। तो बच्चा क्या करता है ना, स्टार्टिंग में बहुत टाइम लगाता है वो अपना, स्टार्टिंग में क्या करता है, एक पत्थर लेता है, छूता है, फील करता है, नहीं होता तो पत्थर ना वही रख देता है साइड में, दूसरा पत्थर उठाता है वही रख देता है, ऐसे ना उसके 2 दिन निकल जाते हैं, वो कहते हैं यार पत्थर तो कम ही नहीं हो रहे, वो सोचता क्यों नहीं कम हो रहे। तो उसके दिमाग में आता है मैं क्या कर रहा हूँ ना कि पत्थर जो मैं टच कर रहा हूँ यही रख रहा हूँ, ऐसा तो समुंदर में फेंकता हूँ। अब वो उसने क्या दिमाग लाया, समुंदर में फेंकता हूँ, पत्थर टच करता है ठंडा निकलता है समुंदर में, पत्थर टच करता है ठंडा लगता है समुंदर में, गर्म पत्थर आ ही नहीं रहा है यार, 12 दिन निकल गए, 10 दिन निकल गए, 13 दिन निकल गए, 14 दिन निकल गए। अब उसकी ना स्पीड पता है क्या, स्टार्टिंग में क्या होती है, टच करता है धीरे धीरे फेंकता है, टच करता है धीरे धीरे फेंकता है, थोड़े दिन बाद ना हाथ में आया नहीं, फील करा नहीं और सीधा पानी के अंदर, फील नहीं करता वो,
15वें दिन भी ऐसे गुरुजी आते हैं, 15वां दिन चल ही रहा होता है, शाम को तक का टाइम होता है बच्चे के पास, आते हैं वो सारे पत्थर खत्म हो चुके हैं, उसके हाथ में ना गरम पत्थर आ जाता है, उसी टाइम गरम पत्थर आता है, लेकिन हैबिट क्या बन गई, हाथ में आया और थ्रो फेंकने की, हाथ में आया फेंक दिया, गुरुजी आ गए थोड़ी देर बाद, सारे पत्थर चले गए, माथा पकड़ कर बैठा हुआ, यार क्या हो गया, गुरुजी कहते क्या हो गया, वो कहता आपने मुझे टास्क दिया था गरम पत्थर ढूंढने का, स्टार्टिंग में तो मैं पहले ढेरी की ढेरी लगाता रहा, मुझे समझ नहीं आया तो मैंने ना पानी में फेंकना शुरू कर दिया, पहले स्पीड कम थी, वक्त के साथ स्पीड बढ़ती चली गई, वक्त के क्या साथ हुआ, स्पीड बढ़ती चली गई, और मेरे हाथ में गरम पत्थर आया तो था बट मैंने वो भी फेंक दिया। द मोरल ऑफ द स्टोरी कि जब हम ओवर थिंकर हो जाते हैं और हम हमें आदत लग जाती है हर चीज के बारे में नेगेटिव सोचने की, नेगेटिव सोचने की, जैसे ही हमारे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आती है ना, हमारी आदत उसके बारे में भी, हमारी थिंकिंग उसके बारे में भी सेम हो जाती है, यार ये भी वैसी होगी चल जाने दे, फैमिली सही बोल रही होगी चल जाने दे, क्या पता वो चीज सही हो, क्या पता वहां पर आपका कुछ बन सकता है ना, बट हम लोग क्या होते हैं, वो पत्थर वाली हैबिट हो जाती है, हमें सब कुछ फेंकना है, सब कुछ फेंकना है, सब कुछ फेंकना है, सब कुछ फेंकना है। तो आप लोग ना ये चीज माइंड में लेकर चलो कि यार एक अपॉर्चुनिटी मिली है, इसकी वैल्यू क्या है लाइफ में, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, मैं ना आपको सिंपल एक चीज बताती हूँ, ठीक है, ये प्रोडक्ट दिख रहा है आपको, फॉर एवर एलोबेरी नेक्टर, मैं हेल्दी हूँ, मेरे लिए जस्ट अ ड्रिंक, मेरे लिए कुछ नहीं, मेरे लिए एक ड्रिंक है, एलोबेरी नेक्टर इज अ टेस्टी टैंगी ड्रिंक है मेरे लिए, लेकिन कोई बीमार है, किसी को थायराइड है, किसी को लो शुगर की प्रॉब्लम है, किसी को स्टोन है, उसे पता है इसकी वैल्यू क्या है, मेरे लिए क्या है, मेरे लिए हेल्दी रहने का एक जरिया है, लेकिन किसी के लिए बीमारी को ठीक करने का तो सिंपल क्या है, किसी के लिए क्या है, बीमारी को ठीक करने के लिए उसके लिए एक एज अ मेडिसन हो सकती है या कुछ भी हो सकता है ना, तो चीज सोचकर देखिए इसकी इम्पोर्टेंस मेरी लाइफ में क्या है, एज अ हेल्दी ड्रिंक, लेकिन किसी के लाइफ में क्या है, उसकी जान बचाने वाली एक दवाई, टाइप ऑफ मेडिसन नहीं है बट उसके लिए है ना, कि यार ये मेरे शुगर को कंट्रोल कर सकता है या मेरे थायराइड को कंट्रोल कर सकता है, तो क्या है, सेम प्रोडक्ट की दो इंसानों की लाइफ में अलग अलग इंपॉर्टेंस है, अंडरस्टैंड कर रहे हो, दो ए सेम प्रोडक्ट दो लोगों की लाइफ में अलग अलग रोल प्ले कर रहा है, तो सेम आपके लिए भी, अब लाइक अब मोबाइल, मोबाइल की बात करें, किसी के लिए बिजनेस को बढ़ाने का टूल है, किसी के लिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बातें करने का टूल है, किसी के लिए सिर्फ चैटिंग करने का टूल है, किसी के लिए सिर्फ गेम खेलने का टूल है, क्या है, प्रोडक्ट सेम है बट इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रोडक्ट आर डिफरेंट, अंडरस्टैंड करो, अलग है वैल्यू, तो सेम एज इट इज, जो आप जिस करियर प्लेटफॉर्म में आए हो, किसी के लिए सिर्फ पैसा कमाने का प्लेटफॉर्म है, लेकिन किसी के लिए अपने सपनों तक जाने का प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म आर सेम बट द वैल्यू इज डिफरेंट, तो आप लोग ये चीज अंडरस्टैंड करो कि आपकी फैमिली के लिए क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग इज द सेम इंडस्ट्री, उनके लिए ये भी नेटवर्क मार्केटिंग सेम है जो उन्होंने बाकी देखी है, बट क्या है, इम्पोर्टेंस अलग अलग है, यार हमारा ब्रांड ही वर्क कर रहा है 160+ कंट्रीज के अंदर, बाकी उन्होंने कंट्रियों के नाम ही नहीं सुने हुए इतने, जहां पर फॉरएवर लिविंग काम कर रही है, तो ये चीज सोचकर देखिए कि हम अपनी लाइफ में किस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो आप लोगों ने ना आज से ही सोचना है कि यार मेरी लाइफ में वैल्यूएबल चीजें क्या है ना, आप एक बच्चे के सामने खाना रख दोगे, खिलौना रख दोगे और मोबाइल रख दोगे, उसने क्या उठाना है, वो तो वो बच्चा है, उसे कुछ नहीं पता उनमें से कौन सी चीज उसका पेट भर सकती है, कौन सी चीज उसको एंटरटेन कर सकती है, कौन सी चीज उसे नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन यार हमें तो पता है ना, हमें तो पता है हमारे लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है और क्या चीज हमारे लिए हार्मफुल है, क्या चीज नुकसानदायक है हमारे लिए, पता है कि नहीं पता है, अब हमारे सामने कोई तीखा भी रख दे, मीठा भी रख दे और जहर भी रख दे, अब कोई बोले कि तीनों चीजें खा ले, कैसे खा लेंगे, मजाक थोड़ी है कोई,
तो ये चीज सोचो कि आपके सामने कोई ऑप्शन दे रहा है, या तो नेटवर्क मार्केटिंग कर ले या फिर नौकरी कर ले, या हमें चूज कर ले, कोई ऐसे आपको बोल दे। मैं आपको बताती हूँ, लाइक एक लीडर है फॉरएवर लिविंग के अंदर, मैं नाम तो नहीं लूंगी उनका, उन्होंने जब स्टार्ट किया था हमारे साथ, एएस लेवल पर ही थी, मैं भी उस टाइम, वो भी एएस लेवल पर थे, तो ना उनको उनकी मदर आज अच्छे लेवल पर है, मैनेजर है आज, तो वो उनके ना फैमिली की तरफ से उनको ना वो मिल गई थी, लाइक धमकी, धमकी ना, इमोशनल ब्लैकमेल, या तो हमें चूज कर ले, अपना करियर देख ले, जो मर्जी कर लो, या तो हम नहीं या तेरा करियर नहीं। लेकिन ना थोड़ी जिद्दी किस्म के होते हैं ना, कहते हैं ना जिद्दी आदमी ही इतिहास रचता है, इसीलिए बोला जाता है फैमिली खुश है, वो मैनेजर है, उन्होंने थोड़ा सा अगेंस्ट जाकर फॉरएवर लिविंग को कर लिया, आज सक्सेसफुल है, आज फैमिली खुश है। बट उस टाइम अगर अपनी फैमिली की बात मान लेते, फैमिली तो बोलती है यार, फैमिली को नहीं पता होता क्या चीज जरूरी है और क्या चीज नहीं है, क्योंकि फैमिली को पता है कि सरकारी नौकरी जरूरी है। मैं आपको बताती हूँ, मैंने आज ही एक इंसान, एक बच्चे का स्टेटस देखा, लाइक मेरे लिए तो बच्चा ही है, छोटा बच्चा, उसका स्टेटस देखा आज मैंने, तो एक पहाड़ी उत्तराखंडी लड़का है, ही इज जस्ट 21 ईयर्स ओल्ड, 21 साल का है वो, और अच्छी पोजीशन पर, अच्छी रैंकिंग पर, सब कुछ होने के बाद उसे रिजेक्ट कर दिया गया आर्मी से, और वो वीडियो बना रहा है, लाइक यार मेरे जहर दिखा रहा है, वो लिटरली पॉइजन की बॉटल है उसके हाथ में, और वो दिखा रहा है कि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है अब, और वो सुसाइड कर चुका है, वो पीकर पहाड़ से कूद गया, वो है ही नहीं, वो क्या है, दिमाग में भूत बिठा रखा है घर वालों ने, सोसाइटी ने, समाज ने, देश ने, सरकारी नौकरी कर लो तो बहुत अच्छे आगे जाओगे। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है आप लोगों के दिमाग में, तो यार प्लीज निकाल दो इस चीज को, है ना। तो वो बाकियों को यही देकर गया इन द एंड मोरल कि मत जाना इनके अंदर, ये निकालते हैं, छह छह सीटें निकालते हैं, 600 बच्चा भरता है, पैसे कमाते हैं और रिजेक्ट कर देते हैं वहां से, वो सीट्स जिनकी निकलती है ना, 6 सीट उनको भी नहीं मिलती है, वो ऐसे ऐसे बोल कर गया बच्चा। तो बड़ा ना दुख हुआ देखकर कि यार इनकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी अगर इनके सब कभी आई भी होगी, कभी सपने तो सबके होते, फैमिली प्रेशर की वजह से या सोसाइटी में नेगेटिविटी की वजह से, हो सकता है इन्होंने नहीं समझा और डिग्रेड सोचकर अपॉर्चुनिटी को छोड़ दिया होगा, बट स्टिल आज जो उनके साथ हुआ, क्या आज पेरेंट्स खुश होंगे? नहीं होंगे, उनको दुख हो रहा है उनका इतना यंग बच्चा चला गया इस दुनिया से। तो आप सोच कर देखिए कि पेरेंट्स ना थोड़े वक्त के लिए गुस्सा होंगे, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप इस इंडस्ट्री में कुछ कर जाओगे, तो आप सीरियसली कुछ कर जाओगे, क्योंकि मैं आपको बताऊं ना, यहां से यहां जिद बिठानी पड़ेगी दिमाग के अंदर, क्या बिठानी पड़ेगी, जिद, क्योंकि ना जिद्दी लोग होते हैं जो 500 बार नेगेटिविटी और फेल होने के बाद भी ना फिर सोचते हैं कि यार करना है तो यही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है, है ना। अल्बर्ट थॉमस एडिसन, यार इतने बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं जो कि इतनी बार फेल होते चले गए, फेल होते चले गए, आज हम लोग बल्ब देख रहे हैं जस्ट उनकी वजह से, वो इतनी बार फेल हुए बट उन्होंने कभी गिव अप नहीं करा, है ना। राइट ब्रदर्स जिनकी वजह से हम एरोप्लेन्स देखते हैं, उन्होंने कभी गिव अप नहीं करा। तो आप और मेरे जैसे लोग प्लेन में एक जगह से दूसरी जगह कुछ घंटों, कुछ दिनों का सफर, कुछ हफ्तों का, कुछ महीनों का सफर कुछ घंटों में तय हो जाता है, कैसे हुआ, किसी की जिद की वजह से हुआ, है ना। आपकी जनरेशन भी जो आके आएगी ना, वो एक अच्छी लग्जरी लाइफ जिएगी, तो वो किसकी वजह से, आपकी जिद की वजह से, आपको याद किया जाएगा उस टाइम पर, यार मेरे ग्रैंड 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 पेरेंट्स ने उस टाइम पर अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर डिसीजन लिया था, दैट्स व्हाई आज हम ये लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। एक वो आपके लिए वर्डिंग्स होगी, और एक होगी नाम ही नहीं पता कौन थे, क्या आपको पता है अपने दादा के दादा का नाम पता है? नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, मुझे अपने दादाजी का नाम पता है, उनके उनके फादर नाम पता है, और उसके आगे मुझे किसी का नाम नहीं पता, तो आपको भी नहीं पता होंगे क्योंकि कुछ करके ही नहीं गए कुछ अलग। लेकिन महात्मा गांधी नाम पता है ना, तो सोच कर देखिए क्यों पता है, क्योंकि कुछ कर कर गए थे ऐसा, हालांकि कोई ब्लड रिलेशन नहीं है हमसे उनका, बट कुछ कर कर गए थे ऐसा हमारे लिए, है ना, देश को आजाद करवाया, सबके लिए कर कर गए, तो सबको पता है उनके बारे में। तो सोच कर देखिए, जब हम कुछ सोसाइटी के लिए कर कर जाएंगे, हम अपनों के लिए कुछ कर कर जाएंगे, तो जाहिर सी बात है हमें याद भी किया जाएगा, है ना। तो ये चीज है कि अपने करियर को प्रायोरिटी देना स्टार्ट करो, अपने करियर को इम्पोर्टेंस देना स्टार्ट करो, अपने आप को वैल्यू करना स्टार्ट करो। इस दुनिया का अगर सबसे वैल्यूएबल पर्सन कोई है ना, तो वो मैं हूँ। अपने आप को बोला करो, आई एम द मोस्ट वैल्यूएबल पर्सन इन द वर्ल्ड, सीरियसली बता रही हूँ। आप अपने बारे में जो सोचोगे ना, जैसा सोचोगे, आपका दिमाग वैसे थॉट्स प्रोड्यूस करेगा, वैसे विचार निकलेंगे आपके दिमाग में से, वैसी वाइब्स आएंगी आपके अंदर, पॉजिटिविटी भी आ सकती है और नेगेटिविटी भी आ सकती है। मैं बता दूं, जब मैंने स्टार्टिंग में बिजनेस को ज्वाइन करा था ना,
तो मुझे स्टार्टिंग स्टार्टिंग में लगता था यार मेरे से तो होगा ही नहीं, मेरे तो बस की बात नहीं, मैं सबसे लेजी हूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आता, मैं सबसे बुझ हूँ यहाँ पर। मैं सीरियसली बता रही हूँ, लाइक मेरी थिंकिंग है ना, मेरे बारे में मेरी खुद की थिंकिंग ऐसी थी, मुझे समझ ही नहीं आता, सामने कोई एलोवेरा का बता रहे मुझे पता ही नहीं लग रहा हो क्या रहा है। लेकिन जब मैंने खुद सेशन लगाना स्टार्ट करा, जब मैंने खुद के बारे में पॉजिटिव सोचना स्टार्ट करा, मैं अब तक क्या सोच रही थी जो लोग मुझे बोलते आए थे कि तेरे बस का कुछ नहीं है, तेरे से नौकरी भी नहीं होगी। मेरे घर वाले भी बोलते थे मुझे, तुझसे जॉब, तुझे जॉब पर भी नहीं रखेगा कोई, जैसा तेरा दिमाग है। मुझे सीरियसली मेरे मदर ऐसे बोलते थे कई बार कि तेरा दिमाग ऐसा है ना कि तेरे को कोई जॉब पर भी नहीं रखेगा, भूल जाती है सब, भूल जाती है, दिमाग में कुछ रहता ही नहीं। लेकिन जब मैंने अपने बारे में पॉजिटिव सोचना स्टार्ट करा, पॉजिटिव देखना स्टार्ट करा अपने आप को, सोचा यार मैं भी कभी फ्यूचर में लीडर बनूंगी, अपने आप के बारे में सोचा यार मैं भी कभी स्पीकर बनूंगी, अपने बारे में सोचा यार कभी मैं भी मिलियनेयर बनूंगी, अपने बारे में सोचा यार कभी मैं भी स्टेज पर चढ़ूंगी, अपने बारे में सोचा कि यार लोग मुझे भी प्रेज करेंगे, मेरी भी तारीफ करेंगे, अपने बारे में सोचा है। फिर बाद में सोचा यार मेरी फैमिली भी तो प्राउड फील करेगी। फैमिली कब आप पर प्राउड फील करेगी, जब आप पहले अपने बारे में सोचोगे, पहले अपने आप को उस काबिल बनाओगे, काबिल भी तो बनाना पड़ेगा ना। तो अपने आप को वैल्यू करना स्टार्ट करो, अपने बारे में अच्छी बातें करना स्टार्ट करो, अपने आप की तारीफ करना स्टार्ट करो। मैं आपको सीरियसली बताऊं, जब आपको लगता है कि यार मेरे से कुछ बहुत अच्छा हो गया, तो शीशे के सामने खड़े होकर अपनी तारीफ क्या करो, वाह यार तूने तो कमाल कर दिया, तेरे जैसा जीनियस ही कोई नहीं है। लेकिन जब आपसे कोई गलती हो जाए तो अपने आप से क्वेश्चन किया करो कि यार मैंने कहाँ कमी छोड़ दी। ऐसा नहीं कि वहां नेगेटिव हो जाना है, कुछ करना है, वहां वहां अपने आप से क्वेश्चन करना है यार कहाँ कमी रह गई, हो क्या गया मेरे को, मैं इतने जीनियस बंदा, मेरे से गलती कैसे हो सकती है। अपने बारे में करना स्टार्ट करो तो आपसे होगा, समझ रहे हो, तो आप कर सकते हो। तो इन द एंड क्या चीज है अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा वैल्यूएबल, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई है ना, तो वो हो आप खुद। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, आपके सपने आपके लिए, आपके अलावा कोई नहीं पूरा करने आएगा। कौन ड्रीम पूरे करेगा आपके? आप खुद। सीरियसली बता रहे हो, आप खुद ड्रीम पूरे करोगे, आप अपने भी करोगे, आप बाकियों के भी करोगे, आपके साथ पता नहीं कितने सपने जुड़ जाएंगे आने वाले वक्त में। बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ेगा, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, अच्छे तरीके से अपने आपको पॉजिटिव रखना पड़ेगा, प्रॉपर तरीके से अपने आपको अपनी जो वर्ड पावर है ना उसे हाई करना पड़ेगा पॉजिटिव वर्ड्स के साथ। क्योंकि इन द एंड आप वो बनोगे जो आप अपने बारे में सोचोगे, तो अच्छा सोचो, अच्छे बनोगे, राइट। बाकी विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट, होप्स हो कि यहाँ पर जितने भी मुझे जूम पर और यूट्यूब पर देख रहे हैं, कि होप्स हो हम लोग दिल्ली के अंदर मिले, है ना, बहुत सारी अचीवमेंट है टीम के अंदर, बहुत कुछ है वहां पर देखने के लिए। सुनिए, उनकी वाइफ आ रही है, नवाज घसवाला मैम आ रही है, बहुत अमेजिंग सेशन होने वाला है, राइट। तो कोई भी मिस मत करिएगा, अगर आपके पास पासिस नहीं भी नहीं है ना तब भी आप आइएगा वहां पर, क्योंकि वहां पर पासिस अरेंज जाते हैं, कई लोगों के पास एक्स्ट्रा पासिस होते हैं, और नहीं कोई बात नहीं, अंदर जाने के लिए नहीं मिलेगा तो बाहर का माहौल इतना पॉजिटिव होता है ना कि बंदा यार वहीं से मैनेजर बन जाता है उसी को देखकर, क्योंकि हजारों लोग आए होंगे, हजारों। अभी तो आप लोग देख रहे हो कि अच्छा यूट्यूब पर इतने से लोग हैं, जूम पर इतने से लोग हैं, ये लगा रहे सेशन, ये लगा रहे, लेकिन जब वहां पर देखोगे ना, अभी आपको लग रहा है कर कौन रहा है फॉरएवर, लेकिन जब आप वहां आ जाओगे ना, आप देखोगे फॉरएवर लिविंग का इंडिया से 0.1% हिस्सा आया होता है बस वहां पर, फिर आपको लगेगा यार फॉरएवर तो सब कर रहे हैं, मैं ही नहीं कर रहा था मतलब अभी तक। सीरियसली बता रही हूँ मैं, आपके माइंड में ऐसा आने वाला है वहां पे। तो कोई मिस मत करिए, कोई मिस मत करना, अच्छे तरीके से रेडी रहो सक्सेस डे के लिए। 6 नवंबर का सक्सेस डे है, 10 बजे ऑनवर्ड्स अंदर एंट्री हो जाएगी, 12 बजे सक्सेस डे का इवेंट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो जल्दी आइएगा ताकि आप लोग अपने लिए पासिस अरेंज कर पाओ, अगर जिनके हो चुके हैं बुक वेल एंड गुड, लेकिन अगर जिनके नहीं हुए हैं तो प्लीज आप लोग जल्दी आकर वहां पर अपने पासिस को बुक करिएगा। बहाना मत लगाना यार कि मम्मी नहीं मान रही, पापा नहीं मान रहे, दूर है, लड़की हूं, ऐसा है वैसा है, है ना, फैमिली अलाउ नहीं कर रही, अकेले जाने को नहीं परमिशन मिल रही, सब कुछ हो जाता है, बाकी चीजों के लिए परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पर थोड़ा सा कन्विंस कर लेना, कोई बात नहीं, पेरेंट्स को भी लेना, अगर पेरेंट्स नेगेटिव करते होंगे लेकिन सक्सेस डे देखने के बाद नहीं करेंगे, सीरियसली तारे सक्सेस डे देखने के बाद नहीं करेंगे। बाकी विश ऑल दी वेरी बेस्ट टू ऑल, होप सो आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा, सीखा होगा, तो अपने आप को वैल्यू करना सीखे, अपने आप को इंपॉर्टेंस देना सीखे, क्योंकि आपसे बेटर और आपसे